लॉकडाउन के इतने दिन हो गए यार, अपने भाई चिल्लू से बात नहीं की। चलो थोड़ा उसको कॉल लगाता हूँ। अरे भैया गांधी जी, राम राम। राम राम ब्रो। हम क्या बने तुम मरो, ऐसी बातें कर भी तुमने फोन लगाओ। शायद की दोस्त आओ की दुश्मन। अरे ब्रो मींस ब्रदर भाई। अरे तुम चुचे दे बिलाई थी ना बनो, हिंदी में बात करो। तुम चुचे भाई। चल ओके भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। काय की शोरी पहले ना हो रही। चल छोड़, और बता भाई कैसा है तू। हम तो शादी ही, बस एक दिक्कत है हमारी, हमारी लुगाई हमें ट्रेन खाए गए। 2-3 महीना हो गए लॉकडाउन की, उनकी शक्ल देख देख के हम पस्त पड़ गए। ट्रेन अलग से खाई जा रही। एक बात है बताएं, एक दिन आएंगे हमारे जितने पकड़ के पूरे घर में खतर दो तू हमें। अच्छा भाई, ऐसा नहीं बोलते यार। किससे बात कर रहे हो? हमें दोस्त का फोन आओ, दोस्त तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। भाई जैसे तेरी हालत है ना, उस हालत को देखकर मेरा मन कर रहा है मैं शादी ना ही करूँ तो ज्यादा अच्छा है। भैया तुम्हें पाप है, तुम्हें हाथ जोड़ दे, ब्याह न करियो, जिंदगी भिष्टा बन गई हमारी तो तुम अपनी ने बना लियो। अरे ठीक है भाई, नहीं करूँगा शादी। और बता कैसा जा रहा है तेरा लॉकडाउन? लॉकडाउन लॉकडाउन की क्या कहिए यार, जिंदगी नरक बन गई हमारी तो। 3 महीना से अपनी लुगाई के अलावा कोई शक्ल तक नहीं देखी। चढ़ेल सी बाल लगन लगी, मुझे डाणी उमल निकले गई, पर गई की। अरे भाई भाभी के बारे में ऐसा मत बोल, बहुत सुंदर है वो। अच्छा ये बता, तू मास्क और सैनिटाइजर यूज कर रहा है ना? मास्क तो हम लगाए थी ना, जब तक घर में रहते तो हम मास्क लगाए थी ना, जब तुम बाहर है निकली थी मास्क लगा ली। एक बात तो बताओ, सैनिटाइजर को भी यूज कर रहे, लेकिन एक बात तो बताओ ना, इस सैनिटाइजर में हमने सुनी दारू भी मिली रात, आदमी का पी भी दारू चुन नहीं रही, और जिस सैनिटाइजर में अपनी दारू मिला के हाथ जगवा रहे। भाई वो सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर होता है। हाँ वो सैनिटाइजर तो कहीं हमने। भाई सैनिटाइजर यार, तो ब्लाइट ने बने गए तुम, जो बने से बोल दे था। तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? ओके ड्यूड। अरे ड्यूड तो हम बढ़िया सवेरे से आप एक एक गिलास बढ़िया भैंस को दूध रोटी भी खाए, तुम्हें खाने का? अरे भाई मैंने तुम्हें ड्यूड बोला यार। बड़ी बदतमीज है यार तुम यार, ऐसे दूध दे हम कहा दूध दे ये सब। अरे मेरा मतलब यार, लीव इट यार, छोड़ो उसको। जब हम सब बात करो करें, लेकिन बिलाई ही ना बने गए। अच्छा और बताओ क्या चल रहा है? अब तुम्हें एक बात बता रहे हो, एक दिन हमारी लुगाई बोली हमें मैक को नल लुवा चलो। सो हमने कही पहला उनकी स्पेलिंग तो बताओ। सुबह काट हमें KFC लुवा चलो। सो हमने कही चलो तुम उनको पहले फुल फार्म बता दो। सो कहा थर्टी के बड़े कम न लुवा जाओ, न तुम देखियो चार दीवारी को मुँह, न हमें दिखाइयो बाहर। बस तो पैसा बचा भाई। इतना कंजूस तू कब से हो गया यार, मतलब तेरी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, तू इतना चिकुआ कैसे हो गया रे? चिकुआ की नहीं ये कर रहे, जो बाहर कोरोना को महल चल रहे तो मैं बचा रहे उसे, समझो तो ना। भाई पता आजकल अच्छे हो बुरे इंसान का कभी फर्क पता ही नहीं चलता, कौन अच्छा है और कौन बुरा। कभी कभी तो सोचता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ सब सोच कर। देखा तुम्हें एक अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे जने रहे उनके संगे हमेशा अच्छे हो, और जो बुरे लोग रहे उनके संगे हमेशा बुरे हो, ताकि भी बुराई हो, अच्छे लोग के संगे हमेशा अच्छे हो। जो अच्छे लोग का बुरे लोग भी अच्छे लगे, और बुरे लोग का अच्छे लोग भी बुरे लगे। जो तुमने जिंदगी में अच्छा काम करो से तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिले, और तुमने जिंदगी में बुरा काम करो से तुम्हें बुरा रिजल्ट मिले। जो अच्छे लोग जो रहते ना भी अच्छे रहे, जो बुरे लोग रहते जो भी बुरे रहे। हम क्या कर रहे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी शिकायत पर क्या रहे हम कह वो कर जा रहे। हम जो ये कह वो चाह रहे, जो कुछ भी कह वो चाह रहे, हम जो ये कह वो चाह रहे कि जो अच्छे रूट ना जो अच्छे रात, जो बुरा रूट ना जो बुरा रात, जो अच्छे बुरा कछु नहीं हो, मेन हो तो अपनो कच्चा 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 से आ जाए। अरे हम कच्चा डरो सूख बे चमोन की मोटी बेच के चक्कर में हम कच्चा ना चलो जाए। अरे भगत साले हरो सिनेमा के नाने आ गए थे, हम कच्चा छूटो जा रहा हूँ भगत साले।
सल्यूट है भाई।